शुरुआत में आपने कहा था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में अगर आप होते तो आप ऐसी फिल्मों को रिलीज नहीं होने देते, पर जिस तरह से ऑस्कर की जो फिल्मों को आपने थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हैं कि रियायत दी है, तो आपको लगता है कि आपने भी थोड़ा ये समझ लिया है कि नहीं ऐसी फिल्मों को आगे देना चाहिए? देखिए, गैंग ऑफ वासीपुर का नाम दिया तो आपने गैंग ऑफ वासीपुर का अगर जो है ना आप देखोगे जो कट्स जो दिए थे और जिसमें गैंग ऑफ वासीपुर में भी जैसे कस वर्ड थे उसमें काटे गए थे और उसके अंदर जितनी भी एक्शन थे बहुत काटे गए थे। ऐसे तो नहीं क्लियर पिक्चर पास हो गई थी, बिकॉज रियलिटी उस टाइम मीडिया इतनी फोकस में नहीं थी। आज जो है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया 2006 में इतनी नहीं थी जिस टाइम गैंग ऑफ वासीपुर आर्ट में आई थी। आज जो है ना बहुत विजिबिलिटी है मीडिया की और बहुत से अटेंशन है उसी को लेके। आज तक जो है अपना जो उसकी हैबिट है अनुराग कश्यप की, पहली पिक्चर जब फिल्म बनाई थी पाँच से, तब से उसकी आज पाँच आज भी रिलीज नहीं हुई है। जितनी भी लास्ट में फिल्में हुई है सबके साथ सेंसर बोर्ड के साथ उसकी फाइट थी, न कि इवन स्मोकिंग के लिए। एक साल फिल्म उसकी डिले हुई, कोर्ट में केस था। सो ही इज़ यूज टू ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्किंग, सो उनके लिए उसमें भी कट्स थे। देन हाउ ही हैज़ गॉट अवे एंड हाउ द थिंग्स आर देयर इन द मूवी दैट ही नोज एंड द प्रीवियस ऑफिशियल मस्ट बी नोइंग ऑफ द थिंग्स की कैसे हुआ कैसे नहीं। उस टाइम भी बॉम्बे जो उसने यूज़ किया था उसका काटा गया था, मुंबई उसको उसने चेंज किया था। बट टुडे मुंबई इज़ नॉट सेंसर बोर्ड कट, इट्स अ सेंसर महाराष्ट्र गवर्नमेंट 95 की जो है नोटिफिकेशन है उसके अंदर उसमें ऑब्जेक्ट किया था, जबकि मुंबई टाइम चेंज हुआ था। इसके बाद जो है जो भी पीरियड फिल्म थी, बॉम्बे वेलवेट थी क्योंकि 1960 की फिल्म थी, हमने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। वी हैव क्लियर दोस्त, बिकॉज देयर इज नथिंग सिंगल काइंड ऑफ थिंग जिसमें CBFC ने किसी की भी विजुअल काटी हो। जहाँ आपने कहा कि ऑस्कर वगैरह की, आप इंग्लिश मूवी और हिंदी मूवी में डेफिनेटली फ़र्क है। एक आर्टिस्टिक राज कपूर जो आर्टिस्टिक वे में फ्रेम करता है, ऑस्कर की जो आप फिल्में देखोगे जिसमें आपकी लिमिटेड ऑडियंस है, इंग्लिश ऑडियंस जो है वो है। बट जहाँ हिंदी रूरल में जाती है उसकी अलग बात है। जहाँ हम लोग डब फिल्में होती है, जैसे इंग्लिश मूवी में दूसरे दूसरे लैंग्वेज में डब होती है, वी सी द मूवी अकॉर्डिंग टू द लार्जर ऑडियंस कि हमारी ऑडियंस कौन सी फिल्म में जाएगी। इंग्लिश ऑडियंस है तो डेफिनेटली दे आर इन अ डिफरेंट फ्रेमवर्क और उनकी जो क्वालिटी उसकी जो पिक्चराइजेशन, एक राज कपूर की पिक्चराइजेशन, एक जो है ना बी ग्रेड किसी डायरेक्टर की पिक्चराइजेशन, इससे डेफिनेटली फ़र्क होता है। एक आर्टिस्ट होता है, एक दूसरी जो होती है कि हाउ यू टिटलेट द ऑडियंस, सो दैट वल्गरिटी और ऑब्सनिटी पे जो है ना ज़्यादा फोकस होता है, कोई आर्टिस्टिक पे होता है। सो इट्स अ व्यूअर, इट्स अ पैनल मेम्बर हु विल डिसाइड कि हमको किस तरह की फिल्में मतलब जो है देखने को मिलती है और हम उसको कैसे रिएक्ट करें। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.